चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड कांग्रेस की। सियासत पर आते हैं तो उत्तराखंड कांग्रेस जल्द ही भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी में है और इस तिरंगा यात्रा को लेकर आज हल्द्वानी में बैठक होनी है। बिल्कुल, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की तैयारी को लेकर हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में एक बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के साथ कुमाऊं मंडल के विधायक और वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। सुबह 11:30 बजे की बैठक होगी। उत्तराखंड भाजपा के नए अध्यक्ष के तौर पर महेंद्र भट्ट की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है और आज देहरादून में बीजेपी महेंद्र भट्ट को लेकर एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन करेगी। बिल्कुल, तो दिल्ली के परेड ग्राउंड में भाजपा प्रदेश कार्यालय तक भाजपा स्वागत रैली निकालेगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता महेंद्र भट्ट का स्वागत करेंगे। बिल्कुल, अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा महेंद्र भट्ट के भव्य स्वागत की तैयारी में है। दोपहर 2 बजे ये रैली शुरू होगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत भव्य तरीके से किया जाएगा, एक रैली निकाल करके किया जाएगा, ऐसी तैयारियां हैं बीजेपी खेमे में। और वहीं आज उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली में राज्यपाल गुरमीत सिंह सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो मुलाकात करेंगे। तो दिल्ली दौरे पर राज्यपाल हैं, सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है राष्ट्रपति भवन में, जब उन्होंने मुलाकात के लिए लिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। और इसके साथ ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी। दोपहर 12 बजे का वक्त लिया है उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात करने का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।